आपके जति बाल। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं पंजाबी स्वीटी शोदारा। और फ्रेंड्स, आज हम जिस जगह पर आए हैं, यहां पर सारा जो है गार्बेज फेंका जाता है, जैसे सोफे, बेड, घर की जो फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह, यहां पे चीज़ें ठीक नहीं होती। यहां पे ये एक स्पेशल जगह बनी हुई है जहां पे फेंक दी जाती हैं। वो सामने टीवी भी पड़े हुए हैं, एलईडी जो ख़राब हैं वो भी पड़े हुए हैं, वो भी इधर ही फेंके जाते हैं। तो आज हम उधर आए थे, फिर जो ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती हैं उनको निकाल के तो फिर ये दूसरे ममालिक में जो है वो बेच देते हैं, और जो वैसे गार्बेज होता है उसे वो क्रश कर देते हैं। तो अभी हम यहाँ पे आए थे, यहाँ पे हर ही वो मैट्रेस फेंकने आए थे, वो मैट्रेस सही नहीं था तो हमने इधर फेंक दिया। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से वापस। तो फ्रेंड्स, आप जितने लोग भी मेरे चैनल पंजाबी स्वीटिशन द अपन न्यू हैं, काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। ये देखिए, ये सारी वो जगह है जहाँ पे गार्बेज फेंका जाता है, ये सारे लगे हुए हैं यहाँ पे हर गार्बेज के लिए। जहाँ पे टीवी फेंकने हैं वो टीवी का है, जहाँ पे वो फेंकने फ्रिज वगैरह वो अलग से हैं, और हत्ता के जो दरख्त काटते हैं वो भी यहीं पर ही फेंकने हैं, वो किसी दूसरी जगह पे नहीं फेंकने, वो भी यहाँ पे फेंकने हैं। बहुत शीशे की बोतलें, हाँ शीशे की बोतलें, और ये देखिए सारा बड़ी छोटी गार्बेज जो है वो फेंका जा रहा है। देखिए कितना रश है, सारी गाड़ियाँ आ रही हैं, और जो घर की चीज़ें होती हैं नकारा वो यहाँ पे फेंक के जाते हैं, और कहीं पे परमिशन नहीं है, इसलिए कि बहुत ज़्यादा फाइन होता है। ये यूरोप में ये सिस्टम है सारा। पुराने सोफे हो गए घर के, वो भी इधर ही फेंकने हैं, वो भी कहीं और नहीं फेंकने। तो ओवन, घर के पुराने, सब कुछ यहीं पे। और ये सारा बेचा जाता है पुअर्स कंट्री में, अफ्रीका में। जो पुअर्स कंट्री होती हैं वहाँ पे ये सारा फेंका जाता है। ये सारे जो ब्लू ब्लू लगे हुए हैं वो देखें, वहाँ पे सारी वो लगी हुई हैं, क्या कहना चाहिए, सारे रिपेयर हो गए, हाँ ये सारा रिपेयर हो के उधर चले जाएगा। लोग यहाँ से यहाँ पे फेंक जाते हैं, बड़ी महंगी। ये देखिए सारे ये ब्लू ब्लू जो लगे हुए हैं इनमें फेंक के जाते हैं। पुराने सोफे भी इतने पुराने नहीं होते लेकिन लोग फेंक देते हैं। और ये भी देखें, ये इसमें भी सारा वो किया जाता है, और सारा गार्बेज। फिर ये स्पेशल जगह बनाई हुई है इधर स्वीडन में, तो हम भी फेंकने आए थे। एक मैट्रेस था वो बिल्कुल न्यू लेकिन थोड़ा सा ख़राब हो गया, तो वो फिर हमने फेंक दिया। ये सारी ये वाली जगह जहाँ से हम गुजर रहे हैं, तो ये फिर दूसरी कंट्रीज़ में ये बेच देते हैं। जो चीज़ें होती हैं, गाड़ियाँ भी यहाँ पे इसी तरह से फेंकी जाती हैं, थोड़ा सा भी फॉल्ट हो तो वो फिर गाड़ी को पास नहीं करते, तो वो फिर फेंक देते हैं। और वो गाड़ी जाती है अफगानिस्तान में, वो गाड़ियाँ दूसरी कंट्रीज़ में, मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जाती हैं, और वहाँ पर जाके वो बिल्कुल इतनी महंगी बिक जाती हैं। इसलिए यहाँ पे तो एक बार ख़राब हो गई तो फिर ठीक नहीं होनी होती, ना ठीक करते हैं ना पास करते हैं, यहाँ का ये रूल है। तो ऐसे गार्बेज भी फेंका जाता है, तो मैंने कहा ये इंफॉर्मेटिव सी वीडियो है तो आपके साथ शेयर कर दूँ, यूरोप के हवाले से जो है कि यूरोप में किस तरह से गार्बेज को सारा। ये नहीं है कि हालाँकि हमारे घरों के पास भी कूड़े वाली सारी जगह बनी हुई है गार्बेज जहाँ पर फेंकते हैं, लेकिन वहाँ पर ये ऐसी चीज़ें नहीं फेंक सकते। ये स्पेशल हर सिटी में एक जगह बनाई हुई है जहाँ पे लोग, एक जगह नहीं दो तीन जगह ऐसे की होती हैं कि जहाँ पे आप फेंक सकते हैं ना, सोफे, मैट्रेस, चेयर्स, फ्रिज, टीवी, एलईडी और सारी ऐसी चीज़ें ना बड़ी बड़ी, और गाड़ियों के लिए भी अलग से जगह होती है वहाँ पे गाड़ियाँ फेंकी जाती हैं ना। ज़रा सा भी गाड़ी में हो फॉल्ट तो वो फिर वही जो हमारी कंट्रीज़ में वो गाड़ियाँ जो लाखों के हिसाब से बिक जाती हैं, लाखों रुपयों में ना, जो यहाँ पे ऐसे फेंक देते हैं।